नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको आपके लिए लेके आया हूँ जीवा की और हम मॉडल लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। यह आपको नॉन आरटीओ के साथ में मिलती है। इसके प्राइस की बात करें तो आपको ये ऑन रोड 80,000 में मिल जाती है। तो बात मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसमें। तो बात कर लेते हैं फ्रंट से। यहाँ पर आपको वाइट मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ब्लैक के साथ में। यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब में इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिजाइन दे रखा है। यहाँ पे आपको जीवा की बैजिंग मिल जाती है या आपको जीवा का लोगो मिल जाता है। यह आपको हवा के लिए थोड़ी सी जाली दे रखी है। यहाँ पे आपको 3D में जीवा लिखा हुआ मिल जाएगा या आपको जीवा का लोगो मिल जाता है। इसमें आपको LED में हैलोजन LED सेटअप मिल जाता है आपको लाइटिंग का, या आपको DRLs मिल जाते हैं या इसके सराउंडिंग में, या आपको डायमंड कट की तरह आपको LED जलती हुई दिख जाएगी, या आपके हाई बीम है। इसके सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको फ्रंट में, या आपको कवर दिया जाता है मिट्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए। आपको इसमें 10 इंच के टायर मिल जाते हैं अलॉय व्हील के साथ में। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं या आपको कैलिपर मिल जाता है डिस्क ब्रेक का। यहाँ पे आपको जीवा बैजिंग मिल जाती है आपको। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, डे नाइट लाइट बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसके सेंटर की बात करें तो आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है चार्ज करने के लिए। इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलने के लिए। यहाँ पे आपको ओरम की बैजिंग मिल जाती है। तो इसके पिलियन के फुटरेस्ट की बात करें तो ये स्टील में आता है तो ये लग जाएगा। इस स्विच को दबाने से ये बाहर आता है। ये काफ़ी अच्छा लुक दे रही है इसको। तो पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं पीछे भी आपको। ये इसकी मोटर है। पीछे भी आपको 10 इंच के टायर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे से। तो पीछे से लुक इसका इस तरीका का दिखता है। इसमें आपको हाई स्टॉप लैम्प हैलोजन बल्ब में मिल जाती है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लाइट देखने को मिल जाती है या आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाती है यहाँ पे। या आपको इंडिकेटर LED मिल जाते हैं आपको पिछले वाले, या आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं हाइड्रोलिक टाइप के स्प्रिंग के साथ में। मोटर की वारंटी 250 वाट की मोटर मिल जाती है आपको। इसके वारंटी की बात करें तो 1 साल की वारंटी मिलती है चार्जर और मोटर की। यहाँ पे आपको ओरम लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जीवा की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे ओरम लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ये पिलियन के लिए बैक रेस्ट मिल जाता है आपको देखने के लिए। ये कंपनी फिटेड आता है इसमें। इसकी सीटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी सीट है इसकी। तो इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो इसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है सामान रखने के लिए। यहाँ पे आपको मेन चाबी मिल जाती है। ये बैटरी इसके अंदर मिलती है, बैटरी को हटा नहीं सकते। बैटरी की वारंटी की बात करें तो आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। लेड एसिड लिथियम आयन बैटरी के साथ में आती है ये। तो लेफ्ट साइड के स्विचों की बात करते हैं तो ये आपको म्यूजिक सिस्टम के स्विच मिल जाते हैं। आपको फ़ोन यहीं से आप उठा और काट सकते हो। यह आपको पार्किंग का स्विच मिल जाता है। यह आपको कार्ड लगाने का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे USB का ऑप्शन भी है, आप अपनी पेन ड्राइव को लगा सकते हो यहाँ पे।
और कार्ड भी लगा सकते हो इसमें। यहाँ पे आपको लाइटिंग हाई लो बीम की स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है या आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे राइट साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे लाइटिंग के स्विच मिल जाते हैं। आपको इसमें तीन मोड मिल जाते हैं और यह आपको रिवर्स के साथ में मिलती है, या आपको रिवर्स का स्विच मिल जाता है। तो इसके यहाँ पे आपको काफ़ी जगह मिल जाती है सामान रखने के लिए। यहाँ पे आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए USB मिल जाती है। यहाँ पे आपको सामान टांगने के लिए हुक मिल जाता है। तो ये आपको चाबियाँ मिल जाती हैं आपको, ये नॉर्मल चाबी नहीं है, ये आप देख सकते हो। इसमें आपको दो नॉर्मल चाबियाँ मिलती हैं और दो सेंटर लॉकिंग के साथ में मिलती हैं। आप इन्हीं से चाबी को अपनी जेब में रखकर आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। तो आप बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। तो मीटर कंसोल इसका इस तरीके का दिखाई देता है और आपको इंडिकेटर का साइन आपको इस तरीके में देखने को मिलता है, तीर के चिन्ह की तरह। यहाँ पे आपको रेडी लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी ये पार्किंग में है। यह आपको जीवा की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको बैटरी के साइन मिल जाता है जो चार डंडों में दिखाती है आपको बैटरी कितनी चार्ज है। यहाँ पे आपको टोटल किलोमीटर देखने को मिल जाते हैं, यहीं पे आपको स्पीड देखने को मिल जाती है। इसमें आपको मोड देखने को मिल जाते हैं जो कि तीन मोड हैं इसमें। यहाँ पे आपको दूसरी तरफ इंडिकेटर का साइन मिल जाता है इस तरफ। यहाँ पे ही आपको लो बीम का लाइट मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्पीड की। तो पहले मोड में आपको दिखाते हैं कितनी स्पीड जाती है इसकी। पहले मोड में 25 तक जाती है। तो अब बात करते हैं दूसरे मोड की। दूसरे मोड में 35 तक जाती है ये। अब बात कर लेते हैं तीसरे मोड की। तीसरे मोड में आप देख सकते हो अभी तो ये 44 जा रही है, ये अभी चेकिंग होने के बाद ये 50 तक चली जाएगी। यह अभी शोरूम में खड़ी हुई है, जैसे डिलीवर की जाएगी तो इसका पूरा टेक्निकल फॉल्ट साफ किया जाएगा, तब ये 50 तक चढ़ जाएगी। ये नॉन RTO रजिस्ट्रेशन के साथ में आती है। इसके प्राइस की बात करें तो यह आपको मालेखेड़ा अलवर में आपको 80,000 की देखने को मिल जाती है। इसके बैटरी की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है इसमें। इसमें आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। मोटर आपको 250 वाट की मिल जाती है इसमें। मोटर और चार्जर की वारंटी की बात करें तो आपको इसमें 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। वैसे काफ़ी अच्छी बॉडी के साथ में आती है, काफ़ी हैवी प्लास्टिक का यूज किया हुआ है इस बॉडी के साथ में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।